नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चैनवासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। मंझारी प्रखंड के विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला परिषद सदस्य और अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के जिला उपाध्यक्ष माधव चंद्र कुंकल के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय और यूनियन बैंक कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीण भरभरिया चौक पर एकत्र हुए और जुलूस की शक्ल में पदयात्रा करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां विरोध जताते हुए उपायुक्त के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जाए, ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके। एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को आपातकाल में अस्पताल पहुँचने में काफ़ी परेशानी होती है, प्राइवेट गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। मेरुम होनार पंचायत में प्लस टू स्कूल अधूरा पड़ा हुआ है। प्रखंड में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए गए हैं और उपयोग के बिना ही वह टूट रहे हैं। पेयजल आपूर्ति की योजनाएं हाथी का दांत साबित हो रही है। सड़कों का हाल बेहाल है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा आम जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और KYC करने के लिए ग्रामीणों को बार बार दौड़ाया जा रहा है। आज जो है अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के बैनर तले मंझारी प्रखंड के जनता के जो विभिन्न समस्या है, चाहे बैंक का जो यूनियन बैंक उसका बैंक के कर्मचारियों का या पदाधिकारी का जो मनमानी है, चाहे फिर यहां पर मंझारी अस्पताल में जो एम्बुलेंस गाड़ी होना चाहिए एम्बुलेंस गाड़ी का अभाव है, या फिर मंझारी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सड़क का अभाव है और तमाम जगह जलनार खराब पड़ा हुआ है, तमाम जन मुद्दों को लेकर के ये हथियार अभियान का कार्यक्रम चला करके हम लोगों ने मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त महोदय को हम लोगों ने मांग पत्र भेजा है और हम लोगों ने मांग रखा है कि मंझारी प्रखंड में जल्द से जल्द एक एम्बुलेंस गाड़ी की व्यवस्था कराया जाए, ताकि लोगों को जो जन समस्या से जूझना पड़े उससे मुक्ति मिल सके। और हम लोग का संघर्ष जो जनता के बुनियादी सवाल के जारी रहेगा। मैं माधव चंद्र कुंकल, अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। यह बातें तातनगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ओपन जिम और बैडमिंटन एवं बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण करते हुए विधायक निरल पूर्ति ने कही। विधायक ने कहा कि छात्राओं की पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य में भी झारखंड सरकार का विशेष ध्यान है। सरकार इसके लिए जिला के सभी आवासीय विद्यालय में ओपन जिम और इंडोर खेल का मैदान तैयार कर रही है। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप बेहतर कर सकते हैं। कस्तूरबा की छात्राएं हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। झारखंड सरकार आपको पढ़ाई के साथ खेल के क्षेत्र में हर प्रकार की मदद कर रही है। लोकार्पण के मौके पर कस्तूरबा के छात्राओं ने विधायक का स्वागत फूल माला एवं गुलदस्ता देकर किया। इस दौरान विधायक ने ओपन जिम, बास्केटबॉल आदि खेल में भी भाग लेकर छात्रों को प्रोत्साहित किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन चैबासा में स्वर्गीय बागुन सुमरोई की पुण्यतिथि मनाई। कांग्रेस जनों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोकेसाई गांव में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बीते 2 सप्ताह से लोग अंधेरे में गुजर बसर करने को विवश थे। ट्रांसफार्मर खराब होने से इस भीषण गर्मी में गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विधायक दीपक बिरवा को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी को तुरंत ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विद्युत विभाग ने गुरुवार को नया ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी। विधायक ने कहा कि जल्द ही गांव में खराब चापानलों की मरम्मती किया जाएगा। झिकपानी प्रखंड के लोकेसाई गांव में 2 सप्ताह बाद विधायक दीपक बिरवा की पहल पर बिजली आपूर्ति बहाल हुई। बिजली आपूर्ति बहाल होने से गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोकेसाई गांव में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बीते 2 सप्ताह से लोग अंधेरे में गुजर बसर करने को विवश थे। ट्रांसफार्मर खराब होने से इस भीषण गर्मी में गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विधायक दीपक बिरवा को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी को तुरंत ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विद्युत विभाग ने गुरुवार को नया ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी।
विधायक ने कहा कि जल्द ही गांव में खराब चापानलों की मरम्मति किया जाएगा। जमशेदपुर शहर के साक्षी में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड अधिविद्य परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का पुतला फूका। इस मौके पर ग्रामीणों के अलावे कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेसियों ने कहा कि रमेश तामसोय के आकस्मिक निधन से जिला कांग्रेस को अपूर्णीय क्षति हुई है। वे 10 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े थे। विदित हो कि लू से पीड़ित रमेश तामसोय को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार की सुबह 10 बजे उनका निधन हो गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास, विश्वनाथ तामसोय, प्रमोद बेहरा आदि मौजूद थे। जितना भी जो है मतलब कि दमनात्मक कार्यक्रम क्यों ना अपनाया जाए, वो डराना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, जेल भेज करके वो स्टूडेंट को जो है टॉर्चर करके ये दिखाना चाहते हैं कि स्टूडेंट डर जाएंगे और आंदोलन नहीं करेंगे। जो बच्चे उनको धमकाया गया है कि तुम लोग कभी जैक के ऑफिस के बाहर दिखना मत, लेकिन स्टूडेंट का भी हौसला बुलंद है, वो भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और वाकई में जो नाम को थाना प्रभारी है, आज जो है उनकी भी बहुत ही कड़ी निंदा करनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो नेतृत्व दे रहे थे वो आपराधिक चरित्र के हैं। क्या आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो भी आंदोलन को नेतृत्व देते हैं उनका आप लोग हिस्ट्री देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, आप किस तरीके से बस एक झटके में एक वर्ड में आप जो है आपराधिक चरित्र का कह सकते हैं। आज उनको जो FIR। जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और जमशेदपुर पुलिस द्वारा तैयार ऑनलाइन होटल गेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन सुविधा का बुधवार को जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने शुभारंभ किया। होटल रमाडा में आयोजित एक समारोह में इस नई सेवा को पेश किया गया। इस अवसर पर जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रवीश रंजन ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस द्वारा नई सेवा के तहत एक सेंट्रलाइज ईमेल आईडी जारी किया गया है, जिसके तहत होटल संचालक गेस्ट संबंधी सारी जानकारी पुलिस को ईमेल के जरिए प्रदान कर सकेंगे। इस नई सुविधा से होटल संचालकों को 40 लाख सालाना की बचत होगी। नई प्रणाली के लागू होने से अब होटल अतिथियों को पुरानी मैनुअल प्रमाणीकरण प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे अतिथियों और पुलिस दोनों का समय बचेगा और परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली न केवल प्रक्रिया को सुगम बनाएगी बल्कि शहर आने जाने वाले अतिथियों के लिए अनुभव को भी सुधारेगी। जमशेदपुर पुलिस ने एक समर्पित फोन नंबर के साथ नोडल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है, जिससे होटल गेस्ट किसी प्रकार की समस्या के लिए संपर्क कर सकेंगे। जमशेदपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। एक टूरिस्ट के लिए जो आपने कहा कि जो एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर विद डेडिकेटेड फोन नंबर हैज बीन डेप्यूटेड ओनली टू कैटर टू द नीड्स ऑफ टूरिस्ट्स कमिंग इन जमशेदपुर। जो भी टूरिस्ट जो भी पर्यटक आ रहे हैं जमशेदपुर में, उनको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, उनको कोई मदद चाहिए, तो किस थाने में जाना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, बहुत समय वो लोग जानते नहीं है कौन सा जगह किस थाने में पड़ता है, उसके लिए एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर। मैं तो 6-7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। मुझे जो पूरे होटल चलाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पुलिस वेरिफिकेशन में, क्योंकि अगर आप पानी हो रहा है, कोई भी बंदी है, कुछ भी है, तो आपको फिजिकली एक आदमी को भेजना है, 6 किलोमीटर जाना और आना, तो ये एक प्रॉब्लम है मेरे दिमाग में था कि मैं इसको इसमें लगता हूँ। बट वो सारा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा SSP साहब को, क्योंकि अगर वो उन्होंने मुझे वो, क्योंकि आप तभी किसी को फ़ोन करते हैं जब वो आपको वेलकम करते हैं। तो मैं ये सारी, ये छोटा स्टेप है, लेकिन हमारे लिए ये पूरे ईज ऑफ बिजनेस में वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स व्हाट वी हैव, हमारे जो कंफर्ट जोन में है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं हम कितना कंफर्टेबल हैं इस चीज़ को लेकर। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मेरे हिसाब से इनके रहते रहते हम लोग और भी बहुत कुछ करेंगे। और ये जो एक टूरिस्ट पुलिस की बात है, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है।
छोटा स्टेप नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ कोई आता है दलमा में है, कहीं पे भी है, कहीं घाटशिला में फंसा हुआ है, उसको अगर डिस्ट्रेस होता है, उसको नहीं मालूम है किसके पास वो फ़ोन करेगा, तो ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो मैं सारा शुक्रगुजार हूँ कि हमें इनसे मदद मिली और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग और भी आगे। जमशेदपुर सहित पूरे राज्य में आजसू पार्टी ने अपने 37वां स्थापना दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। जिला आजसू ने इस बाबत एक कार्यक्रम का आयोजन निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिला एवं केंद्रीय नेताओं के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान पार्टी के जनाधार को अधिक से अधिक बढ़ाने और पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए चुनावों में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने का संकल्प लिया। पार्टी के केंद्रीय कमेटी के नेता चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि आजसू पार्टी आज अपने स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय और विकास का संकल्प लेती है। आगामी चुनाव में आजसू पार्टी एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ेगी और लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में अपने और गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करेगी। तालमेल के साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी तालमेल के साथ लड़ेगी और 81 विधानसभा में लड़ेगी, और कौन किस क्षेत्र से लड़ेगा वे आपसी बैठ कर तालमेल का आधार करेंगे। आज हम लोग चूँकि आशू पार्टी की स्थापना हमारे आज के रूप में हुआ था 22 जून 1986 में, और हम लोग आज के दिन संकल्प लिए हैं किस झारखंड राज्य को राज्य में गरीब दुखिया सहाय किसानों मजदूरों को किस तरह से कल्याण हो, किस तरह से इस राज्य की उन्नति प्रगति हो, इस संबंध में हम विचार विमर्श किए हैं। और आशू पार्टी का सारे कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प है कि हम इस राज्य को विकास में अग्रसर रहेंगे और यहाँ का विकास करावेंगे, गरीब दुखियों किसानों को कल्याण कराएंगे। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारे नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। गुरुवार को आजसू पार्टी का 35वां स्थापना दिवस संकल्प दिवस के रूप में भारत माता कल्याण मंडप जगन्नाथपुर में मनाया गया। इस अवसर पर समीर शेख की अगुवाई में विभिन्न दलों के 35 कार्यकर्ताओं ने आजसू का दामन थामा। जिला प्रधान सचिव चंद्रमोहन सिंह को की अध्यक्षता में मनाए गए स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कमेटी द्वारा नव मनोनीत अखिल झारखंड श्रमिक संघ के पश्चिमी सिंहभूम प्रभारी जीटी रेड्डी का भव्य स्वागत किया गया। सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं ने आजसू संगठन को मजबूत बनाने का एक मत होकर संकल्प लिया। बकरीद पर्व को लेकर आज सदर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी शशींद्र कुमार बड़ाइक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सतेंद्र महतो, प्रखंड विकास पदाधिकारी पारुल सिंह मौजूद रहीं। बैठक में उपस्थित शहर के गणमान्य लोगों के सुझाव को सुनकर उसके निराकरण हेतु आश्वासन दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश दिया गया। सभी लोगों से आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने की अपील की गई। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के सदर अनुमंडल और प्रखंड कमेटी की ओर से नरसंडा गांव में सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया गया।
हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए ग्रामीणों से अनुरोध किया गया। युवा महासभा के केंद्रीय महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने लोगों से महासभा से जुड़ने की अपील की। इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम पोस्ट कार्ड लेखन अभियान चलाया गया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।